कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में इंदौर में रहने वाले ब्रिजेश अग्रवाल कोटा में फंसे हुए हैं। ये ओंकारेश्वर से वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण एक महीने से कोटा में ही हैं। ऐसे में अब उनके खाने पीने की व्यवस्था करना बड़ी समस्या बन गया है। कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में लॉकडाउन के बीच कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाने पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन कोटा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो एक अलग ही धार्मिक व्यवस्था को बयां करती है। दरअसल पीछे जो व्यक्ति चल रहा है ये ओमकारेश्वर से चला है और ये वैष्णो देवी जा रहे हैं। साइकिल से ये अपनी जो यात्रा इन्होंने शुरू करी थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि लॉकडाउन की वजह से ये कोटा में पिछले एक से डेढ़ महीनों से यहीं पे रुके हुए हैं, लेकिन इनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में ये दिन भर इसी तरह साइकिल पर घूमते हैं और लोगों से गुहार लगाते हैं कि इनकी मदद की जाए। नाम इनका ब्रजेश कुमार अग्रवाल है, जो कि इंदौर के पास के निवासी हैं। इनका कहना है कि हर साल ये साइकिल के जरिए ही वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो मैं वहाँ से आया, आती मुझे बात में मालूम पड़ा कि यहाँ पर लॉकडाउन चल गया, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। और मैं व्यवस्था मेरी बैठ नहीं पा रही, कल मैं कल गया था हॉस्पिटल, फिर भी जा रहा हूँ, पट्टी करवा रहा हूँ, ये पाँव में लगी हुई है, ऑपरेशन हुआ था पाँव का, उसमें कभी करवा लेना आपको। कब चले थे आप ओमकारेश्वर से? मुझे आज महीने से ऊपर हो गया, मैं दो महीने हो गए साहब रहते रहते, यहाँ फंस रहा हूँ, जो फंसा ही हूँ मैं, तो कहीं जा नहीं सकता अब आगे, ना इधर जाने का ना इधर जाने का, कहीं कभी नहीं रहा। अच्छा, इसके पहले भी आपने वैष्णो देवी की यात्रा कभी की हो साइकिल से? पांच बार गया हूँ साहब, मैं लिखा हुआ सब जगह गया, मैं तो ऐसी जगह घुमाया जहाँ कोई नहीं गया होगा। इलाहाबाद कुंभ के मेले साइकिल से गया, गुजरात भी हो गया, सब सब मोहर लग रही खाने की। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इन इंसान के लिए बनी हुई है कि लॉकडाउन की वजह से ब्रजेश कुमार यहाँ फंसे हुए हैं। इनको जाना था वैष्णो देवी, हर साल ये पदयात्रा इसी तरह से करते हैं, साइकिल के जरिए यात्रा करते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी क्रिटिकल है। जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के पहले ये ओमकारेश्वर से रवाना हुए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लग गया तो ये कोटा में ही फंस गए। प्रशासन से ये यही गुहार लगा रहे हैं कि इनको जल्द ही राहत मिले, ताकि ये अपनी जो यात्रा है उसको आगे सुचारू कर सके। बहरहाल जिस तरह से ब्रजेश कुमार की जो पहल है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, और एवन टीवी की ओर से इनको मैं सलाम करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की है साइकिल के जरिए, वो कहीं ना कहीं लेट ही पहुँचेगी, लेकिन वैष्णो देवी की यात्रा इनकी जरूर पूरी होगी। सहयोगी राजन भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, एवन टीवी कोटा।